प्रथम लागूं गौ चरण को धनियों न छुड़ायो छिन लात तली लाल एड़िया मेरे जीव के यही जीवन इन पांव तले पड़ी रहूं धनी नजर खोलो बातून पालना वालों निरखू नेत्रे मेरे जीव के यही जीवन त्रैलोकी सिफत कर कर गए जो खामंद जमी आसमान खोज खोज खाली गए थके माहे ला मकान। आप श्री प्राणनाथ जी महाराज हम सब दुनिया वालों को समझा रहे हैं कि दुनिया वालों पार ब्रह्म की पहचान आज दिन तक क्यों नहीं हुई। यहां के त्रिदेवा जो सृष्टि के नाथ हैं मालिक हैं खामंद हैं उन्होंने भी महिमा तो बहुत गई। वो शब्दातीत है वो अक्षरातीत है वो अति कृपालु है वो अति दयालु है पर कहां है क्या नाम है क्या स्वरूप है कैसे पता चलता क्योंकि निराकार से आगे वे जा सकते नहीं क्योंकि ये 14 लोक जो है ये निराकार सपना है और वो सत्य है तो सत्य सपने में आ नहीं सकता था। ये तो कारण बन गया कलयुग में ब्रह्म आत्माओं का आना। तो आओ अब थोड़ा सा विचार करेंगे कि त्रिदेवा ने कब कब महिमा गाई और कब कब खोजा। तो चलिए जरा वन में चलते हैं जहां लक्ष्मण जी के साथ राम भगवान पचवटी में रहते थे। रावण कितना वेदांत आचार्य था वेदों के जानने वाला था लेकिन राक्षस बुद्धि होने के कारण से माया वही शक्ति उनके पास रहती थी और सीता जी को हरण करके ले गए। अब उधर राम भगवान और लक्ष्मण जी दोनों चले गए थे मारेश के पीछे जो सोने का हिरण था। वापस आए भगवान तो जानते थे कि ये लीला होनी है पर लक्ष्मण को तो बताना है इसलिए ये रचना उन्होंने वहां पर रची। अब आके जब पचवटी में देखा सीता है नहीं व्याकुलता दिखाते हैं और वहां के पचवटी के पत्ते और टहनियों से पूछते हैं अरे भाई तुम तो यहां थे तुम पत्ते और टहनियों तुम ही बता दो मेरी सीता कहां है। अब इस चीज को देखकर लक्ष्मण को बड़ा खेद हुआ कि भगवान होकर एक स्त्री के पीछे इतने व्याकुल हो रहे हैं। चरणों में गिर के प्रणाम कहते हैं प्रभु आपने मुझे ज्ञान दिया था कि भारी से भारी संकट भी आ जाए तो मनुष्य वही है जो धैर्य छोड़ता नहीं और आप तो भगवान हैं और एक औरत के लिए इतने व्याकुल हो गए कि पत्ते और टहनियों से आप पूछने लग गए हैं कि मेरी सीता कहां। कहते हैं प्रिय लक्ष्मण जिसको तू एक स्त्री समझता है ये मेरे मन की शक्ति है ये मेरे मन की प्रकृति का रूप है जिससे मैं संसार को बनाता और मिटाता हूं। कहने लगे प्रभु संसार को बनाते और मिटाते हैं तो जहां बनना और मिटना होता है वो तो पार ब्रह्म का स्थान नहीं होता तो कृपा करके मुझे पार ब्रह्म का ज्ञान ही बता दीजिए। मैं आपके चरणों में लक्ष्मण भी अब खुल के बात कर रहा है भाई समझ के नहीं आया मैं आपको भगवान का रूप समझ के आया था कि आपके चरणों की सेवा करके मुझे ज्ञान मिलेगा और मैं भवसागर से पार उतर जाऊंगा। कहने लगे हंस पड़े राम भगवान कहने लगे प्रिय लक्ष्मण ये बताओ यदि पार ब्रह्म का ज्ञान हमें पता चल जाता तो मैं सृष्टि पर ये भक्तों के कार्य करने के लिए और अनेकों जो है बार आकर के अवतार धारण करता ना। नेति नेति जहि वेद निरूपा
निजानंद निउपाधि अनुपा शंभु विरंची विष्णु भगवान उपजह जासो अंश ते नाना। हे प्रिय लक्ष्मण, वेदों से भी जब पूछा गया तो आदि नारायण ने वेदों में क्या कहा, नेति नेति ना इति ना इति। और ए प्रिय लक्ष्मण, उस निजानंद स्वरूप पार ब्रह्म जो आनंद ही आनंद की, प्रेम ही प्रेम की और सदा इश्कमय लीला अपने परम धाम में करते हैं, यहां का एक भी शब्द उनको नहीं लग सकता, ना उनकी सिफत में कोई बात कही जा सकती है, ना यहां के नाम उनको दिए जा सकते हैं, क्योंकि ये सारे शब्द जाके निराकार शून्य में समा जाते हैं। आगे कोई शब्द जाता नहीं, कौन सी उपाधि उनको दे, कौन सा जो है उनको मुरातबा दे, कौन से सिफत किस जुबान से करें, और मेरे जैसे लाखों शंभु महादेव जी महाराज, विरंची ब्रह्मा जी महाराज और विष्णु, उपजय जासों अंश ते नाना, उनके एक अंश मात्र हुक्म से हमारे जैसे लाखों ब्रह्मा विष्णु महेश रोज बनते हैं और मिट जाते हैं। अगर हमें, हम क्यों तपस्या करते हैं, क्यों योग साधनाएं करते हैं, क्यों जो है वैकुंठ में बैठ करके इतना आराधना करते हैं कि हमें उनका ज्ञान मिल जाए, पर वो ज्ञान हम नहीं बता सकते क्योंकि मुझे पता ही नहीं। तो लक्ष्मण कहता है, प्रभु आपको ज्ञान का नहीं पता, अच्छा तो नाम ही बता दो, ताकि उनके नाम के अंदर मैंने सुन रखा है कि पार ब्रह्म का नाम जो है इतना शक्तिशाली होगा कि उसको पहचान कर, ऐसे रट के नहीं, जो उनका स्मरण करेगा वो प्राणी जन्म जन्म के पापों से रहित हो जाएगा और भव सागर से पार उतर जाएगा। तो कहते भाई यही बता, तुम ऐसे प्रश्न बार बार करते हो, अगर मुझे उनके नाम का पता होता तो हम वैकुंठ में बैठ करके उनका नाम नहीं स्मरण कर सकते थे। बोला राम ना सके नाम गुण गाई, कहां लो कहूं मैं नाम बड़ाई। प्रिय लक्ष्मण, मैं वो नाम जानता ही, तो मैं तुम्हें गलत कैसे कह दूं। कहने का, अच्छा प्रभु तो क्या आपके चरणों में आकर मेरा जीवन इसी तरह से व्यर्थ चला जाएगा, मैं फिर आवागमन गमन के ही चक्कर में रहूंगा। कहने के, नहीं घबरा मत, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नारा उतर ही पारा। आप प्राणा जी कह रहे, साथियों विचारो क्या ये प्रमाण, प्राणा जी कह रहे हैं मैंने अब आके लिखवाए क्या, सतयुग से जब से परम धाम में ये बात दिल में ले ली थी कि आत्माओं को मिथ्या जगत दुख का खेल दिखाना है, तो हुक्म दिया अक्षर ब्रह्म को और इस माया को हुक्म दिया कि खेल ऐसी रचना वाला बना दो कि जिस जगह आत्माएं भी मनुष्य तन को धारण करें तो उनका संबंध मिथ्या से हो जाएगा, आत्म तन के अंदर आ गई तो उससे उनका संबंध टूटेगा और वो भी भूल जाएंगी। उनके कारण मैं परम धाम का ज्ञान लेके आऊंगा और ये चीजें सतयुग से क्योंकि अनाउंस कर दी गई हुक्मे वेद कतेब में, लाखों लिखे निशान, ये निशान सतयुग से लिखे गए और फिर उसके बाद वेदों में कहा क्या, नेति नेति। अब आ गया त्रेता युग, तो राम भगवान ने भी कह दिया कलयुग में मिलेंगे। उसके बाद आइए द्वापर युग लेते हैं, द्वापर युग में चलिए जरा कौन आए थे, कृष्ण का अवतार हुआ। अब चलिए युद्ध में, जहां कौरव पांडवों का युद्ध हो रहा है, अब अर्जुन कहता है भगवान कृपा करके जरा मुझे वहां तो ले चलो, मैं देखूं तो सही मैंने किन किन से जो है युद्ध करना है और कौन कौन मेरे मुकाबले में खड़ा हुआ है। भगवान कहते चलो, रथ को हैंका जा करके वो सारा युद्ध का स्थल दिखाया, तीनों मोर्चों पर तीनों गुरु
गुरु कृपाचार्य, गुरु द्रोणाचार्य और गुरु भीष्म पितामह। इनको देखकर अर्जुन कांप गया कि मैं अपने गुरुओं का वध करूं तो सीधा नरक में नहीं जाऊंगा, तो और मुझे क्या मिलने वाला है। कहता भगवान रथ वापस ले चलो। रथ वापस आ गया, रथ से नीचे उतर गया, ये कारण था। कहता भरव मुझे आपने नरक में भेजना है गुरुओं का मारकर, और मेरे से वो पाप करवाना है, इससे ऐसा ही अच्छा है तो मुझे आप नरक में भेज दो। अब मजबूर हो गए। आज दिन तक 24 अवतार लिखे हैं श्रीमद् भागवत में विष्णु भगवान के, किसी को भी आज दिन तक, ये कृष्ण अवतार 21वां अवतार था, किसी को भी अपने वैराट का स्वरूप नहीं दिखा। अब मजबूर होकर के अर्जुन को कहते हैं, अर्जुन जिन गुरुओं को तू समझ बैठा है ये पूर्व जन्म का बदला देने के लिए, तूने इन पर ऐसा उपकार कर रखा था, इसलिए उस उपकार का बदला तुम्हें ज्ञान के द्वारा देने के लिए आए हुए हैं, ये तुम मरे पड़े, केवल निमित्त मैंने तुमको बना रखा है। बस फिर जब वो नहीं माना अपने वैराट का स्वरूप, मेरे साथियों इस वैराट के स्वरूप से ये भी संशय मिटता है। जो लोग गीता को नहीं पढ़ते, खाली सुनते हैं, तो विचार करें क्या बताया कि कण कण में अपना स्वरूप बताया। जो लोग आज कहते हैं कण कण में पार ब्रह्म है, गीता में कृष्ण क्या कहते हैं, ममैव जीव अंशो जीव लोके जीव भूता सनातन। हे अर्जुन कण कण के अंदर मेरा जीव, मेरे जीव का अंश सब जगह पर है, यहां किसी के अंदर आत्माएं नहीं है। तो कहने लगे प्रभु तो फिर आप क्षर पुरुष हैं। कहने लगे हाँ, इस सृष्टि के बनाने वाले दो पुरुष हैं। ध्यान के साथ समझने की बात है मेरे साथियों, द्वा इमौ पुरुषो लोके क्षर अक्षर एवच। हे अर्जुन इस सृष्टि को, इस ब्रह्मांड को बनाने वाले दो पुरुष हैं, एक तो मैं हूं जो क्षर हूं, और मेरी बनाई हुई सृष्टि भी क्षर है, अर्थात लय हो जाती है, नष्ट हो जाती है। लेकिन कूटस्थ अक्षरा उच्चते, वो अक्षर ब्रह्म जो अविनाशी है, वो हुक्म दे करके मुझे बनाता है और मुझे बनाने की शक्ति देता है। उसकी शक्ति के द्वारा ही संसार में बनाता और मिटाता हूं। पर ना मैं परमात्मा हूं, हम पुरुष हैं। द्वा इमौ पुरुषो कहा, और अक्षर भी पुरुष है, सात अंग है, वो अक्षरातीत पार ब्रह्म नहीं है। तो कहने लगे प्रभु तो फिर पार ब्रह्म कौन है। कहने लगे हम दोनों से अलग है। उत्तमा पुरुषस्य त्वय अन्यः परमात्मा इति उदारयता या त्रैलोक मां विभक्ति अव्य ईश्वर। उसी के हुक्म से ही त्रिलोक, अब लोग यहां त्रिलोक को क्या समझ लेते हैं, मृत लोग, दूसरा स्वर्गलोक और तीसरा वैकुंठ। ना मेरे साथियों, ये सारा 14 लोक का ब्रह्मांड, पाताल से निराकार तक, ये काल माया का ब्रह्मांड है। इससे आगे जो है, जहां अक्षर ब्रह्म की चारों शक्तियां, अव्याकृत ब्रह्म, सबलिक ब्रह्म, केवल ब्रह्म और सत स्वरूप ब्रह्म जो अखंड हैं, वहां से हुक्म देकर के सृष्टि को बनवाते और मिटाते हैं। लेकिन उत्तम पुरुष जो है वो हमसे न्यारा है। अब ये ज्ञान सुनने के बाद और वैराट का रूप देखने के बाद अब चरणों में गिर के कहता है, प्रभु इस रूप को हटाओ, मेरे से उसी तरह से बात करो। सामने जब फिर वही रूप लेकर के आए तो अब अर्जुन कहते हैं, प्रभु जो ज्ञान आपने अब दिया, क्या वो पार ब्रह्म की प्राप्ति हो सकती है। कैसे, क्यों नहीं, लभ्य अस्तु, मिल सकते हैं। भक्तया भक्ति करनी पड़ेगी, कौन सी, जो शरीरों से परे की भक्ति, अनन्य प्रेम लक्षणा भक्ति, जो आत्म एव परमात्मा, आत्म का पार ब्रह्म के साथ नाता जोड़ना, उसी को प्रेम लक्षणा भक्ति कहते हैं, जो गोपियों ने किया था। तो साथियों अर्जुन को तसल्ली हो गई,
कोई बात नहीं, अब युद्ध जीत लूंगा और उसके बाद भगवान से बैठ करके शांति से वो ज्ञान सुनूंगा। युद्ध शुरू हो गया, उनकी कृपा से युद्ध जीत गए। अब क्या होता है, जब जीत गए युद्ध तो उसके बाद अब अर्जुन जाते हैं श्री कृष्ण जी के पास। महाभारत खंड 6 अश्वमेध पर्व श्लोक नंबर 9 से 12 जाके पढ़ो। महाभारत खंड 6 अश्वमेध पर्व श्लोक नंबर 9 से 12। अब कहते प्रभु आपने कहा था वो परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है, तो अब तो शांति में हूं, क्योंकि वो ज्ञान तो शांत में लिया जाता है, युद्ध के मैदान पर थोड़ा था। तो भगवान क्या उत्तर देते हैं इन 9 से 12 श्लोकों में कि अर्जुन वो जो ज्ञान उस समय कहा गया था क्या तू भूल गया, तो तेरे जैसा कोई नकिष्ट आदमी है ही नहीं जो ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त करने के बाद भूल जाता है। मुझे तो पता ही नहीं, क्योंकि वो मैंने नहीं कहा था, मेरे से अक्षर की शक्ति योग माया के द्वारा कहलवा दिया गया था ताकि तेरा संशय कोई बाकी ना रह जाए। मेरे साथियों अब विचार करो, सिफत कर कर गए पर एक शब्द नहीं बोल सके कि पार ब्रह्म का रूप क्या है। क्यों? अब सवाल है, ये तो भगवान थे, राम भी भगवान थे, पर वो आए कब? त्रेता में और द्वापर में। अब पार ब्रह्म अक्षातीत का जो आने के प्रमाण है वो किस युग के हैं? 28वें कलयुग। अब वो 28वें कलयुग में आकर इन सारे ग्रंथों के प्रमाण का मिलान कर करके हम सबको बता रहे हैं कि देखो ये जो सारे प्रमाण हैं रामायण के, वेदों के, गीता के और इत्यादि सब ग्रंथों के, तो प्राणनाथ जी कहते हैं या तो अब मैंने आके कहलवाया होता तो आप कहते जी प्राणनाथ जी ने पार ब्रह्म ने अपनी मर्जी से करवा दिए। किस लिए? कि तुम सब उसकी इंतजार में रहो। लेकिन साथियों यहां अखंड मोक्ष अखंड मुक्ति का कोई ग्राहक नहीं। हर एक को क्या चाहिए? झूठी माया। अब कई बार लोग कहते हैं जी वाणी बहुत ऊंची है, ज्ञान बहुत ऊंचा है, हमारी समझ में कुछ आया नहीं। क्यों? इसकी तलब नहीं है, इसकी प्यास नहीं है, इसकी तड़प नहीं है। और जिस चीज की तड़प है ना, आज लाखों हमारे हिंदुस्तान के भाई पैसे की तलब के लिए, पैसे की खोज के लिए घर छोड़ गए, माँ बाप छोड़ गए, अपने देश को छोड़ के जाके अमेरिका, यूएसए, कनाडा में सेटल हुए। फॉर व्हाट? उन्हें समझ आई ना कि माया कैसे मिल सकती है, कहाँ मिलेगी, जहां मिलेगी कैसे मिलेगी। वो उन्होंने सारे रास्ते अख्तियार कर रखे हैं और धन कमा रहे हैं। और ये पता नहीं कि ये धन एक ऐसी चीज है, माया एक ऐसी चीज है जो हमारे ऊपर मन के मोह का पर्दा डाल के हमें भुला रही है कि हम कौन हैं, कहां से आए हैं और मरने के बाद हमने जाना कहां पर है। साथियों अब विचार करके देखें, पिछले दिनों फाजिलका में एक प्रोग्राम चल रहा था, फिरोजपुर से एक डॉक्टर साहब आए जिनका नाम अग्रवाल था। तो मैंने कहा भाई जो आज दिन तक हमारे सत्संग में ना आया हो वो जरा कृपा करके खड़ा हो जाए। तो वो भाई खड़ा हो गया क्योंकि पहली बार आए थे। तो मैंने उनसे पूछा ध्यान दे करके, बहुत गहरा समझने का जो है विषय है, मैंने पूछा भाई साहब आपका नाम क्या है? कहने लगे जी महेश अग्रवाल है। तो मैं कह ये बताओ जो समझिए जो महेश अग्रवाल है वो जिंदा है कि मुर्दा है? साथियों विचार करने की बात है। एकदम कांप उठा, कहने लगे जी महेश अग्रवाल, एक्शन उसका अपनी बॉडी पर था, ये तो जिंदा है। मैं कह तुमने मेरी बात को सुना ही नहीं, मैं क्या कह रहा हूं, जो जिंदा है उसका नाम क्या है? अब वो चौंका,
मैं कहा ये तो तुम अपने तन का नाम बता रहे हो महेश अग्रवाल, ये आज भी मुर्दा है। स्वामी जी ने कहा ये संसार मुर्दों का वास है, अंदर जो है वो कौन है, उसकी क्या पहचान है, कहां से आए हैं और मरने के बाद हमने जाना कहां है, नहीं बता सकता। ये कलयुग में आके श्री प्राणनाथ जी ने अपनी पहचान हम सबको दी। श्री प्राणनाथ धनी क्या।